अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपका एक व्लॉग जो है वो अपने सराइकी में बनाऊंगा, जो मेरे कज़नों के साथ होगा। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो सराइकी का व्लॉग है। मैं आया हूँ अपने फार्म पे, इधर जो है कुछ दोस्तों कज़नों ने प्रोग्राम बनाया कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, जून का महीना है, आपको पता जून में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर आम वगैरह भी लिए हैं, नहाने का भी प्रोग्राम किया, कुछ कज़ा मेरे आ रहे हैं और कुछ जो है आ चुके हैं। ये फार्म ये लगा हुआ है ट्यूबवेल। तो मैं जो अपना व्लॉग जल्दी से करने वाला हूँ सराइकी में, तो कुछ उर्दू में भी होगा, कुछ सराइकी में भी होगा, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादा उर्दू को ही ज़्यादा वो करता हूँ, किसी और करता हूँ। तो ये है मेरे मछली के फार्म, ये भी फार्म है मछली का, वो भी है, उधर भी है, यानी वहाँ तक जो है वो सारे, ये सारी जो ज़मीनें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी अपनी हैं। देख सकते हैं वो जो कोठी वो वगैरह खड़ी है, ठीक है, वहाँ से लेकर इस वो तकरीबन जो घर आपको नज़र आ रहा है, उस घर से लेकर तकरीबन वो आपको मैं दिखाऊं, वो वाइट घर नज़र आ रहे होंगे आपको इधर, और ये देखें ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मकान वगैरह, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने, यहाँ तक जो है वो सारी हमारी अपनी ज़मीन है। तो इधर जो है हमने ये मछली के फार्म है, जिस दोस्त ने भी मछली खानी हो, ठीक है, जो महीना होता है वो अक्टूबर दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है, वहाँ उस टाइम जो है यहाँ पे मछली जो है पकड़ते हैं, हम मछली पकड़ते हैं, ज़्यादातर हम खाते हैं, दोस्तों को भी देते हैं और सेल भी करते हैं, क्योंकि पता है ना ये कारोबार है, इसका जो कारोबार है बहुत अच्छा कारोबार है। जिसने भी कारोबार करना है मछली का करें, मछली में फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जब हम लेते हैं तो छोटे होते हैं, जब फिर बेचते हैं तो लेते 50 में, फर्क है, मिसाल दे रहा हूँ, लेते 50 में तो बेचते 1000 में, तो मछली का ये फ़ायदा है। ये सारे हमारे अपने फार्म हैं, ठीक है। तो अभी हम इधर नहाते हैं और नहाने के बाद जो है, नहाने के भी आपको वीडियो दिखाएंगे, मेरे कज़न भी होंगे, सारे मेरे कज़न होंगे, कोई बहर का भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी अपनी जगह है, यहाँ पर बहर का कोई बंदा नहीं आ सकता, जहाँ पर हमारी जगह है, ठीक है, वहाँ पे हमारे इजाज़त के बगैर कोई जो है वो बंदा बाहर से नहीं आ सकता, हम कि हम इधर नहाने जा रहे हैं, नहीं, वहाँ पे हमारे बंदे बैठे होते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे भी हर जगह पे जो हमारे अपने बंदे लगे होते हैं, ये पहले तो बिजली पे चलते थे, पीटर वगैरह, ट्यूबल, अब जो है वो हमने शमसी का इंतज़ाम किया है, हर जगह पर जो है हमारी शमसी लगी हुई है, जो आपको पता है बिजली बहुत महंगी हो गई है, कारोबारी आदमी को जहाँ से मुनाफा मिलता है, ठीक है, फ़ायदा मिलता है, वो वहीं से फ़ायदा उठाता है। तो इंशाल्लाह चलते हैं अब नहाने से, जब नहाएंगे तो आपको दिखाएंगे। यार साजिद गर्मी सीधा था, हां तो गर्मी भी सीधा नहीं है, तत्ती हवा चलती करिए लूहन है, इतना लेला पण धवन है कने आज घर मैं लतीफ का कुछ कम नहीं करे, लतीफ किंडर हो गया, लतीफ गर्मी दा हाल दे, गर्मी दा ना पहुंचा सही, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है, धवन है कने और लतीफ यार एक आम तो निकाल ले भाई, ए ए सारे आम यार आप छोड़े यार, कोई यार बंदा पेटी शेटी गेंद कहते इवे पेटी गेंद के गर्मी नहीं बचा को सारे बोल दे तो माल नहीं बिकली खिर गए। चले यार हम जो नहाने लगे हैं, अब हम आपको दिखाते हैं, ये है मेरे कज़न, एक मेरा भाई है, ये मेरे कज़न है, बाकी ये मेरे मामू के बेटे और काजू के बेटे जो हैं, तो सारे मेरे कज़न, सारे आप खुद अपने नहाने हुए, और कोई भी नहीं है यहाँ पे हमारे अलावा जो है, हम जमा देने से नहीं रियाज साजिद रियाज का मोबाइल है 1.5 लाख का, रियाज बारे पानी साथ, अगर पानी ना पैसा 1.5 लाख का साढ़े कितना है मच्छी है अग्री यार मेरे कज़न नाम वो पन्नी है, वो मच्छी टप हमारे तुमने एक आम लौट गए लदी मैं नाम काढ़ा वो हाँ कोई कहा आम सार गिनती के पूरे रात में लगाए जाने लौट गए सारे जी का ठंडा सा ऐसा नहीं है, पता नहीं कर रहे कि पट्टे से मैं पानी कितना है यार मेरे कज़न है कि आम लौट गए यार यार सारे आम लौट गया यार सारे आम लौट गया यार लतीफ काम लतीफ आम सट यार सर अंब जवान सर शरारती अंब लौट के उठवा के खा गए
ਸਾਜਰ ਇੱਕ ਅੰਬ ਖਸੂ ਤੇ ਟੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਇਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿੱਥਾ ਹੈ ਓਏ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥਾ ਹੈ ਅੰਬ ਓ ਓ ਪੀਲਾ ਛਾਪਾ ਰੇ ਆ ਛਾਪਾ ਰੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਲੱਗਤੇ ਪੈਨ ਮਜ਼ੇ ਲਾਈਕ ਕਰਾਇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਇੱਥਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਆਮ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਅਸਾ ਉਹ ਧਾਂਗ ਨੂੰ ਸਾ ਕੁਸ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਖੜੇ ਸਭ ਧਾਂਗ ਸਾਰੇ ਧਾਂਗ ਆ ਸਾਡੇ ਟੋਲੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਆਮ ਸਹੀ ਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖੋ ਲਤੀਫ ਹੈ ਹਾਂ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਆਂਬੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਹਾਂ ਆਂਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦੇ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਬੋਤਲ ਯਾਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਵੈਸੀ ਮਿਲੇ ਸਰ ਹਾਂ ਇਹ ਪਲਟੀਨੀਅਮ ਦੇ ਖਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੇ ਕੀ ਲੋਗੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਲਟੀਨੀਅਮ ਲਾ ਚੰਦਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤ ਲਈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾਤ ਹੀ ਦਿਖਾ ਲਾਂ ਆਹ ਟਿਕਟ ਟਿਕਟ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਬਰੀਆਨੀ ਬਰੀਆਨੀ 40 ਪਈਏ ਇਹ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਆ ਵਾਂ ਯਾਰ ਸਾ ਚੋਰ ਮੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਚੋਰ ਮੁਰ ਖਾ ਗਣੂ ਦਾ ਖਾਵਣੀ ਤੇ ਚੋਰ ਮੁਰ ਆ ਵਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹਮਨੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਹਾਇਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਨਹਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮਛਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੇ ਹੈ ਕਜ਼ਨੋ ਕੇ ਮਾਮੂ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਵੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੜੀ ਹੈ ਤੋ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਨਹਾਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਂਗੇ
हम वो यूट्यूबर नहीं हैं कि भाई आए हमें टाइम दें, टाइम लें, हम आपसे नखरे करें, ये करें, वो करें। नहीं भाई, आप आएंगे हम आपकी इज्जत करेंगे, आप कमेंट्स करेंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम अपने आप को बड़ा समझने लगे। नहीं भाई, अपने औकात को देखना पड़ता है। तो मैं अभी जो है दोस्तों को कदम से आपको मिलवाता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं। साकेत है मिलूँ? हाँ, लतीफ मुझे कितना है वो कपड़े पहन के रियाज है, रियाज जुलू खड़ी खड़े है जुलू ना बस थक गए हैं ना, हवा लगती है गर्म, बाहर निकले गर्म हवा लगती है, अंदर मेरे सर्दी लगती है। मसला सा यही है, मसला सा रोटी रहे यार, बस यही है। हमने नहा लिया है, अंदर जाते हैं सर्दी लगती है, बह रहते हैं गर्म हवा चलती है, वो देखे हमने इतनी नहाया वहाँ पे जो है पानी बह रहा गया है। और इसके बाद जो है वो हमें चलना है अपने घर, तो नमाज का टाइम है, नमाज पढ़नी है, फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह अगला जो मेरा व्लॉग है वो भी बहुत जल्द आएगा। उम्मीद है मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।